वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं कुछ ना कुछ नया वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो देखिए आज जो ब्रिक्स रहता है, जो घर बनने के लिए ईटा तैयारी होता है, वो कैसे बनता है देखिए दोस्तों। उसका जो पकाते हैं, जो ब्रिक्स रहता है उसको कैसे पकाते हैं। इसका अंदर पूरा आग लगा है, पास में जाएंगे तो पूरा आग जलते रहता है। ये करीबन कितना दिन चलता है उसको टेक्निकल पूछना पड़ेगा यहाँ का लोकल पीपल लोग को, लेकिन कैसा बनता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। ब्रिक्स बनने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो मेनली मिट्टी ही यूज किया जाता है। तो इसमें डिफरेंस तरह का जो मिट्टी रहता है, स्पेशली ईटा बनाने के लिए स्पेशल मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं कैसा मिट्टी जमा किया गया है और इसी से ब्रिक्स बनाया गया है। ये अभी पका नहीं है, तो देख सकते हैं जब पक जाएगा तो ये पूरा रेड कलर का दिखेगा। तो कैसा कलर अभी देख सकते हैं, मिट्टी कलर का दिखता है। तो इसको सांचे से निकल के इसे सुखाया गया है, धूप में सुखाया जाता है दोस्तों। देख सकते हैं कैसा सुखाया गया है इधर भी। तो उधर जो आगे में है उधर पकाया जाता है। तो ये तो पुराना टेक्नोलॉजी में है और पहले के जमान कुछ एडवांटेज भी है। देखिए दोस्तों कैसा इसका अंदर आग जलाया जाता है। इसका अंदर लकड़ी रखा गया है, तो देख सकते हैं पूरा कैसा ईटा बनाया जाता है। ये 15 दिन तक जलता है, जो लकड़ी रहता है 15 दिन तक चलता है और ऊपर तक पूरा पहुँचता है। तो देख सकते हैं इसे पकाते हैं, जो कच्चा ईटा रहता है उसको पकाते हैं और घर बनने के लिए ईटा तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। कुछ सवाल हो तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।